तो टॉपिक है टू प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव को अगर प्रूव करना है तो आप एक काम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को आप एच हाइट ऊपर लेके जाएंगे ए से बी, पहले रास्ते में सीधा ले जाएंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी ऑब्जेक्ट को इस रास्ते से लेके जाएंगे ए से सी, ए से सी से डी से ई से बी, तो ऐसे लेके जाएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी सेम आ गया। फिर तीसरे केस में इंक्लाइन प्लेन से लेके जाएंगे, इसके अंदर भी अगर आंसर सेम आ गया तो आपको मानना पड़ेगा कि ग्रेविटी की फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। तो हम स्टार्ट करते हैं अलग अलग केसेस के साथ। पहले केस नंबर वन, केस नंबर वन में सीधा ए से बी पे लेके जाना है। तो जब ए से बी लेके जाएंगे तो मैं वर्क डन करूंगा, मैं लेके जा रहा हूं तो मेरी फोर्स कहाँ है, ऊपर एम जी, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर एच, तो एंगल क्या होगा मेरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, एम जी एच। तो सबको मालूम है कि अगर आप ए से बी तक ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन एम जी एच। डन यहाँ तक। पॉइंट नंबर टू, अब मैं लेके जाऊंगा ए सी डी ई बी से, तो जब मैं ए से सी पे लेके जा रहा हूँ तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, फिर से ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए सी, कहाँ, ऊपर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में फिर से एंगल क्या, जीरो, तो ए सी, ए सी के लिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू ए सी इंटू कॉस ऑफ जीरो, तो फोर्स कितनी लगाऊंगा एम जी इंटू कितना ए सी, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो ए सी का अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, ठीक, तो ए सी का अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, एम जी इंटू ए सी। सी डी का वर्क डन क्या होगा, देखो हम जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो आपने जो फोर्स लेनी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लेनी है जो हमेशा वाई एक्सिस में होती है, पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कैसे है, एक्स में। ये कुली वाला केस हो गया, सर पे उठा के आप सी डी पे एक सामान को लेके आ रहे हो, तो वर्टिकल फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स तो वर्टिकल है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, एंगल इनके बीच में कितना है, 90, तो वर्क डन सी डी का क्या काउंट होगा, जीरो। तो ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल वर्क डन काउंट नहीं होते, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इटसेल्फ कैसी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 हो जाने, तो सी डी का वर्क डन भी जीरो और बी ई का वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो गए। इसका वर्क डन क्या होगा, एम जी इंटू ई डी, एम जी इंटू हाइट क्या है इसकी, ई डी। इसका वर्क डन क्या, एम जी इंटू ए सी, इसका वर्क डन एम जी इंटू ई डी। तो ये देखो, एक वर्क डन एम जी इंटू ए सी, दूसरा जीरो, तीसरा एम जी इंटू डी ई, चौथा जीरो, दो जीरो हो गए और दो वर्क डन काउंट हो गए। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ऐड कर दो, दो वर्क डन जीरो हैं, दो ऐड कर दो, एम जी इंटू ए सी, एम जी इंटू डी ई। ये देखो एम जी कॉमन आ गया, एम जी कॉमन आ गया ए सी प्लस डी ई। अब मुझे पता है कि ए सी और डी ई का सम क्या होता है, एच, तो यहाँ पर इन दोनों का सम क्या पुट करेंगे, एच, तो वर्क डन फिर से क्या आ गया, एम जी एच। तो हॉरिजॉन्टल को काउंट नहीं करना, वर्टिकल एम जी एच आ जाएगा। तो दूसरा केस भी क्लियर है यहाँ तक, पहले केस में सीधा ले गए, दूसरे केस में घुमा के ले गए, तीसरे केस में इंक्लाइन प्लेन पे ले गए, इंक्लाइन प्लेन की वर्टिकल हाइट क्या है, एच, ऑब्जेक्ट को एस डिस्प्लेस कर दिया। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो कम से कम फोर्स कहाँ लगेगी, ऊपर, मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, ऊपर लेके जाने के लिए, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगी, एस, ऊपर, ऊपर और ऊपर में एंगल क्या है, जीरो, तो मेरी फोर्स क्या होगी, जितनी नीचे की फोर्स है कितनी, एम जी साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो फोर्स कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, एस कॉस जीरो वन है, साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या है, एच अपॉन एस, तो साइन थीटा की जगह एच अपॉन एस, एस से एस कैंसिल, फिर से आंसर क्या आ गया, एम जी एच। तो जब आप इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तब भी आंसर क्या आ गया, एम जी एच। तो ये स्टेप क्लियर है, फिर से, तो मैंने फोर्स ऊपर लगाई, मिनिमम फोर्स कितनी लगाई, एम जी साइन थीटा, तो ये मेरी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस जीरो, ठीक है, फोर्स ऊपर लगाऊंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, एंगल जीरो, फोर्स कितनी लगाऊंगा, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एच बाई एस, एस से एस कैंसल, आंसर एम जी एच, ठीक है। फिर लास्ट केस है केस नंबर फोर, केस नंबर फोर में आप ये लिखेंगे कि अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं और बॉल नीचे आती है, ऊपर जाने में ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन करती है माइनस एम जी एच, नीचे आने में पॉजिटिव वर्क डन करती है एम जी एच, और नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन राउंड ट्रिप का जीरो। और कंजर्वेटिव की तो ये प्रॉपर्टी थी कि राउंड ट्रिप में नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन जिसका भी जीरो है तो फोर्स क्या कहलाती है,
कंजर्वेटिव। चौथे केस में ये लिख देंगे कि सपोज अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स ग्रेविट, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, डाउन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जीरो, तो फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है यहाँ तक? तो ये आपका कंजर्वेटिव प्रूव करने का तरीका।